बच्चों, आज की 12th क्लास की कक्षा में सीमा जैन का आपको नमस्कार। और आज हम आपके साथ वेक्टर जो है सदिश, उसके अनुप्रयोग पर यहाँ चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सदिश में कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। तो बच्चों, आप लोगों ने सदिश में अभी तक जो कुछ सीखा है यहाँ पर पिछली कक्षाओं में, एक बार हम उस पर नजर डालेंगे कि हम किन किन अनुप्रयोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पिछली कक्षाओं में पहली चीज तो ये कि सदिश क्या है। सदिश जो है उससे त्रिभुज नियम आपने सीखा होगा कि सदिश की तीनों भुजाओं का जो सदिश योग होता है वो जीरो होता है। ये चीज जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आप सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री की बहुत सारी चीजों को हल कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपने ये भी देखा होगा कि दो सदिश यदि परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है, यानी डॉट गुणनफल, वो जीरो होता है। अभी हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। सिर्फ आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल कर लीजिए, और चाहें तो आप जितने सूत्र हैं उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जो आपने पहले पढ़े हैं, क्योंकि अनुप्रयोग के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपने डॉट गुणनफल के साथ साथ क्रॉस गुणनफल भी सीखा कि यदि दो सदिश दिए हैं ए और बी तो उनका क्रॉस गुणनफल होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर एन होता है जो दोनों के लंबवत होता है, यानी जिस भी आप दो सदिश की बात कर रहे हैं उन दोनों सदिश के वो लंबवत होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने वेक्टर का त्रिक गुणन भी सीखा है। अब त्रिक गुणन में भी दो प्रकार से त्रिक गुणन सीखा, एक अदिश त्रिक गुणन और एक सदिश त्रिक गुणन। अदिश में ए डॉट बी क्रॉस सी है, जबकि सदिश गुणन में क्रॉस बी क्रॉस सी है। और दोनों में क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक ब्रैकेट में लिखा है, जबकि ए क्रॉस बी एक ब्रैकेट में लिखा है क्रॉस सी। अभी हम लोग इसकी चर्चा विस्तार से यहाँ पर करेंगे कि हमने क्या, हमारे आज की जो क्लास है उनमें इन सारे सूत्रों का विशेष महत्व है। तो बच्चों, आज हम लोग थोड़ा सा लिख के भी उन सूत्रों को यहाँ पर रिवाइज कर लें, और आप मेरे साथ साथ वो नोट कर लें, ताकि हम अपनी आगे की कक्षा में उन चीजों से हमें परेशानी ना। सदिशों के अनुप्रयोग, देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो त्रिभुज नियम में पढ़ा है, डॉट गुणनफल पढ़ा है a डॉट b बराबर मॉड a मॉड b cos थीटा, जहाँ पर थीटा a और b के बीच का कोण है। यहाँ पर a और b के बीच का कोण यदि थीटा है तो आपने a क्रॉस b भी पढ़ा है मॉड a मॉड b साइन थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर। तो आपने ये देखा होगा कि हमेशा यदि ये है, आपको कागज दिख रहा है, यदि इस तल में a और b दोनों दो सदिश हैं तो ये जो n होगा वो हमेशा इसके लंबवत होगा, ऐसा होता है। ठीक है, इसमें साथ ही साथ a डॉट b क्रॉस c आपने पढ़ा, जिसे हम डिटरमिनेंट a b c से भी व्यक्त करते हैं, और क्रॉस बी क्रॉस सी भी आपने, यानी सदिश गुणन भी आपने
ट्रिक में पढ़ा है। ये दो प्रकार से लिखते हैं, वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर देख लीजिए। इसको याद करने का जो तरीका है वो ऐसा कराते हैं, इसको वन लिख लेते हैं, इसको टू और इसको थ्री, और सीधे फॉर्मूला 132 माइनस 123 ए सी बी, एक दो 132 माइनस ए डॉट बी और बाहर है सी, ठीक है। 1 3 2 माइनस 1 2 3, और इसमें देखा। आज हम मुख्य रूप से जिन पर चर्चा करेंगे वो है कार्य और बल आघूर्ण। तो बच्चों आपकी भौतिक शास्त्र में भी आपने जरूर सुनी होगी कि कार्य क्या होता है। कार्य में दो भौतिक राशि समाहित है, एक तो है बल और दूसरा है द्रव्य। कभी आपने देखा कि एक दीवार को यदि हम बहुत देर से धक्का दे रहे हैं और वो दीवार नहीं हिली, यानी उसमें जरा भी विस्थापन नहीं हुआ, तो हम क्या कहते हैं कि आपने कोई कार्य नहीं किया। हम कैसे मान लें कि आपने बहुत देर से उसे धक्का दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कार्य निकाल रहे होते हैं तो बल के साथ साथ हम बल कितना भी लगाएं, लेकिन विस्थापन होना भी जरूरी है। यदि हमारा विस्थापन जीरो है तो हम कहेंगे कि कार्य नहीं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यदि हम बल आघूर्ण की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्य जो है वो अदिश राशि है, जबकि बल आघूर्ण में भी हम क्या करते हैं, बल ले रहे हैं और उसे भी कर रहे हैं, किसी चीज को उस बल के द्वारा घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जब हम उसे घुमाने का प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों, तो निश्चित रूप से में कोई दिशा कि या तो हम उसे बाईं तरफ घुमा रहे होंगे या दाईं तरफ घुमा रहे होंगे। तो जब भी हम दिशा की बात करते हैं तो वो सदिश राशि है। तो यहाँ पर भी चर्चा करेंगे कि बल आघूर्ण आप कैसे निकालेंगे, और सिर्फ हम उसकी अवधारणा को यदि समझ लेंगे तो हम बल आघूर्ण बहुत अच्छे से ज्ञात कर सकते। सबसे पहले हम आप कार्य के बारे में बात करेंगे कि हम कार्य मैथमेटिक्स में कैसे निकालें। अब कार्य निकालने के लिए अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कार्य निकालने के लिए यदि मुझे बल दे दिया जाए और दूरी दे दी जाए तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि बल और दूरी पता है या विस्थापन मुझे पता है तो मैं कार्य को बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। एक उदाहरण हम आपके सामने लेंगे। पहले तो हम आपको बता दें कि बल डॉट डी यही हमारा क्या है, कार्य है। कार्य बराबर एफ डॉट डी, यानी मुझे बल यदि दिया जाए और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन दे दिया जाए तो हम कार्य की गणना कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, उसे आप देख लीजिए। बल एफ बराबर 4i माइनस 3a प्लस 2k द्वारा एक कण को सरल रेखा के अनुदिश बिंदु 3 2 ऋण 1 से बिंदु 2 ऋण 1 4 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। चाहे तो पूरा सवाल ना उतारें, लेकिन कम से कम F लिख लें और दोनों बिंदु लिख लें, क्योंकि जब अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये कागज आपके सामने नहीं रहेगा, है सर। बल लिख लीजिए, लिख लीजिए आप। फोर आई माइनस 3j प्लस 2k और बिंदु है आपका 3 2 माइनस 1 से बिंदु 2 माइनस 1 4। देखें क्या करेंगे हम। अभी आपने देखा कि कार्य बराबर है F डॉट D, लेकिन मुझे D नहीं दिया, D ना देके मुझे दो बिंदु दे दिए हैं और वो दो बिंदु दिए हैं मेरे पास 3 2 माइनस 1 तथा 2 माइनस 1 और 4, ठीक है। इन दो बिंदुओं को सबसे पहले हम सदिश रूप में लिखें, जैसे किसी भी आपने सदिश किसी बिंदु को सदिश रूप में लिखना भी सीखा है पिछली कक्षाओं में, कि 3 2 माइनस 1 का मतलब होता है 3i माइनस सॉरी प्लस 2j माइनस। अब इसको आप लिखेंगे
टू आई माइनस जे प्लस फोर, क्योंकि ये बिंदु इसी तल में आपको दिए गए हैं टू थ्री माइनस वन, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं x y सदिश है i, y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश है j, और z अक्ष के अनुदिश जो इकाई सदिश है वो है k। तो यदि हम तीन दो और एक को उनकी अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश से गुणा करके लिखें तो ये हमारा सदिश रूप हो जाता है। और बच्चों ये कैप लगाना ना भूलें, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट का मतलब क्या होता है, इनका यदि हम मॉड या परिमाण निकालेंगे तो सदैव एक आएगा, किसका, आई का, जे का। यहाँ पर हमारे पास ये जो दो बिंदु थे, सबसे पहले हमने उन्हें नाम दे दिया कि ए थ्री आई प्लस टू जे माइनस के, और बी बिंदु हमारा हो गया है टू आई माइनस जे प्लस फोर। इससे हम पहले तो दूरी निकाल लें, ए और बी दो बिंदु यदि हमें दिए हैं तो डी हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, कोई बच्चा मुझे बताएगा ए बी बराबर कैसे निकालते हैं। सदिश ए बी बराबर मैम, तो हमें मूल बिंदु से ओ और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, हमको त्रिभुज नियम से प्राप्त करते हैं, लेकिन जब हमारी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, बी के स्थिति सदिश में से माइनस करेंगे ए का स्थिति सदिश। तो ये क्या निकला, टू आई माइनस जे प्लस फोर के थ्री आई प्लस माइनस आप क्या होता है, क्या आपका आया आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस आई, ये गया तो माइनस थ्री जे फोर के, और ये जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा फाइव के। ये आपको क्या प्राप्त हो गया, ए बी, ए बी ही हमारा क्या है, ठीक है, दूरी है ये। अब हमें क्या करना है, कार्य निकालना है जिसमें कि हमें f पहले से दिया गया है और d हमने अभी अभी प्राप्त कर लिया। f क्या दिया था बच्चों, आपने नोट किया है 4i माइनस 3j प्लस 2k डॉट आपका माइनस i माइनस 3j k। तो बच्चों मैं ये मान चलूं कि आपको डॉट गुणनफल बहुत अच्छे से आता है, 4i का हम जब i में डॉट लेते हैं तो i का i में डॉट आता है 1, क्योंकि मॉड i का स्क्वायर आएगा और ये हो जाता है 1। इसी तरीके से j का j में करते हैं तो 1 आता है, k का k में 1 आता है, जबकि i और j का डॉट गुणन यदि हम करते हैं तो i का j में जब भी हम डॉट निकालेंगे तो वो 0 हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि i का j में या k में डॉट गुणनफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा i का i में जब किया तो 4 एकम 4, ये ऋण 4 आ जाएगा, इसी तरीके से j का j में किया तो धन 9 आएगा, और k का k में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ये कुल 4 गया तो ये 15 इकाई, ये क्या निकल आया, कार्य। बता दीजिए कि कार्य की गणना आप लोग अच्छे से कर लेंगे। कार्य यदि आप उसे हाथ करके बता दीजिए, हो सकता है माइक अभी आपका चालू हो या ना हो। कार्य की गणना आपसे या रिपीट करना हो तो दोनों हाथ खड़े कर दीजिए, एक बार हम फिर कर लेंगे इस पर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, हो गया, आ गया। तो कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है कि हमें बल पता होना चाहिए और दूरी पता होना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि हमें दूरी दे दी जाए, हो सकता है हमें बिंदु दिए हैं जैसा कि इस प्रश्न में दिए थे, तो हमने बिंदुओं को क्या किया, ए बी निकाला
ठीक है, सदिश ए बी निकाल दूरी का। अब हो सकता है इसी प्रश्न में एक बल ना देके एक ही बिंदु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, F1, F2 और F3 ये तीन तीन बल यदि कार्य कर रहे हैं तो हमें F ज्ञात करने के लिए इन तीनों बलों को क्या करना पड़ेगा, पहले जोड़ना भी पड़ सकता है। ऐसा भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि बल कई लग रहे हैं, एक दो तीन चार कितने भी बल होंगे, तो उनका रिजल्टेंट या परिणामी आपको निकालना पड़ेगा, तब आपके पास बल मिलेगा। और उसके बाद जो विस्थापन आप निकालते हैं उसके लिए आपको कोई यदि दो बिंदु दिए गए हैं तो दोनों बिंदुओं को आप सदिश रूप में लिखेंगे और सदिश रूप में आप उसको घटा के फिर ए बी निकालेंगे, वो आपका डी मिल जाएगा, फिर एफ डॉट डी करके आप गणना करेंगे। एक प्रश्न और देख लीजिए बच्चों, इस प्रश्न को देखिए आप, यहाँ पर एक बल ना देके दो दो बल दिए, अचर बल P 2i माइनस 5j प्लस 6k तथा Q बराबर माइनस i प्लस 2j माइनस k एक कण पर कार्य करते हैं, तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए जबकि कण बिंदु A जिसका स्थिति सदिश 4i माइनस 3j माइनस 2k है से बिंदु B जिसका स्थिति सदिश 6i प्लस j माइनस 3k है तक विस्थापित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचिए, यहाँ हम क्योंकि हमें दो दो बल दिए हैं तो हमने यहाँ पर कुल बल निकाला F बराबर P प्लस Q, ये हमारा F गया, और B कैसे निकाला, जो दो बिंदु हमें दिए थे अभी इससे पहले वाले सवाल में हमने आपको बताया था कि हम AB की गणना कैसे करते हैं, यदि हमें A बिंदु की स्थिति सदिश मालूम है और B की स्थिति सदिश मालूम है तो हम उसको घटा के D को प्राप्त कर लेते हैं, ये हमें D प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ हमने F डॉट कैसे निकाला, डॉट प्रोडक्ट की गणना करके कि I का I में हमने गुणा किया, J का J में डॉट गुणनफल गुणन निकाला और K का K में निकाला, तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 15। ठीक है, ये माइनस 15 आपको प्राप्त हुआ, अच्छे से देखिए। ठीक है, आप चाहें तो इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। बिंदु लिख लीजिए और बल लिख लीजिए बस। तो यहां देखते हैं बच्चों कि कार्य निकालने के लिए हमने क्या किया, F डॉट D ज्ञात किया, मतलब बल निकाला और विस्थापन निकाला और दोनों का डॉट गुणन लिया। डॉट गुणन में आप i का i में कर रहे हैं क्योंकि i डॉट i वन होता है, j डॉट j वन होता है और k डॉट k वन होता है, और i डॉट j जीरो हो जाता है इसलिए हमें वहां पर गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही अब हम बल आघूर्ण की जब बात करेंगे तो बल आघूर्ण आपको सदिश है इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा बिंदु के परितः हम बल को घुमा रहे हैं और किस बिंदु तक उसे हमें ले जाना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं बल आघूर्ण, एक बल है जो बिंदु P पर कार्य कर रहा है, तो इसकी क्रिया रेखा तो ये होगी ना, नीचे तक आ जाए, हमें इसे बिंदु O के परितः घुमाना है, तो हमने यहां से लिया, ये OP हमारा एक सदिश हो गया जिसे हम R से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा है बल F। बहुत ध्यान से देखिए,
केवल इतना ही यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगी, बल अभूल्यत। ये बल, ये बिंदु पी पर क्रियाशील है और हमें बल आघूल ज्ञात करना है बिंदु ओ के परितः। तो हमारे पास जो सदिश आएगा वो क्या है, ओपी। साथ ही साथ इसकी क्रिया रेखा पर हम एक लंब डालते हैं ओ एन, ठीक है। और हमेशा बल आघूर्ण बराबर होता है बल और साथ ही साथ उसकी क्रिया रेखा पर डाला गया है ओ एन। ये बल जो है अपनी क्रिया रेखा, जो बल की जो दिशा है उसके क्रिया रेखा है, जब ओ एन निकालेंगे तो हमारा ओ एन क्या आएगा, ओ एन बराबर ओपी। देखो वो क्या है, लंब है, ठीक है। और इस त्रिभुज में हमारा ये कोण जो है थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है और ओपी जो है वो हमारा क्या है, कॉर्ड। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ओ एन साथ में डॉट एफ, यानी ओपी ओ एन सामान्य तौर पे लंब है वो, ओपी साइन थीटा और साथ ही साथ आ रहा है हमारा बल। इनको यदि हम कैलकुलेट करें तो हमारा आ जाएगा ओपी और डॉट एफ, यानी कि आर क्रॉस, सॉरी ओपी क्रॉस एफ यानी आर क्रॉस ई। साइन थीटा क्रॉस लगेगा बच्चों, डॉट नहीं लगेगा, ठीक है। ये आर क्रॉस एफ ही जो है वो हमारा क्या है, बल आघूर्ण। यदि आपको ये पता चल गया किसके परितः, ओ के परितः, बल क्या है, एफ है। और जैसा कि हमने अभी कार्य में आपको बताया कि कार्य निकालते समय कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बल हो, तो बच्चों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कितने भी बल दिए हैं आप देख लो, बल कौन कौन से दिए हैं और सबका परिणामी निकाल लो, परिणामी यानी उनका सदिश योग निकाल लो, किस दिशा में कार्यरत है वो तो थोड़ा सा चेक करो, यदि सब जुटे हैं तो उन्हें सदिश योग करके आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बल आघूर्ण हम कैसे निकाले। तो बच्चों एक प्रश्न आप लिख लीजिए, फिर हम इस प्रश्न को यहाँ हल करेंगे। आप बल को नोट कर लीजिए, आई प्लस जे प्लस के लिख लीजिए, बल बराबर इतना है, बिंदु ए जो है उसकी क्रिया रेखा पर स्थित है और बिंदु P के परितः हम सदिश आघूर्ण ज्ञात करना है। नोट किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो दो बिंदु दिए हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि बिंदु किसके परितः निकालना है, तो क्या है, तो बेहतर होगा कि जो पहले हमने एक डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लें और यहाँ पर लिख लें कि हमारा F जो है वो दिया है I प्लस J प्लस K। यहाँ हमने लिख लिया, बिंदु A दिया है और परितः में हमको दिया है P, यहाँ पर I प्लस 2J प्लस 3K इसके परितः। और बिंदु जो है A यहाँ पर दिया है हमें माइनस टू आई प्लस थ्री जे प्लस की, ठीक है बच्चों। आराम से आप ओपी निकाल सकते हैं हम माइनस करके, है ना। आप पी में से ओ को माइनस करेंगे यानी माइनस टू आई प्लस थ्री जे प्लस के में से आई प्लस टू जे प्लस थ्री के को जैसे ही माइनस करते हैं आपको आर मिल जाएगा और F तो आपको पता ही है। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई, थोड़ा हाथ खड़े करें नहीं तो फिर हम एक बार इसको रिपीट करेंगे। सिर्फ नैनपुर के बच्चे ही हाथ खड़े कर रहे हैं, मुरैना, मुरैना के बच्चे बात समझ रहे हैं और यहाँ शिवाजी नगर भोपाल,
अच्छा ठीक है, तो कभी भी यहाँ पर बिंदु को लेके आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बार बार कि हम किसके परी था, वो बिंदु आप चित्र बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए, और आपको आराम से पता चल, जब ओपी निकाल रहे हैं तो वो हमारा आर है और एफ हमें पता है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि जब हमने बिंदु निकाला, बिंदु हमारा, तो हमारा हमारा आर आर जाएगा पीए, मतलब ये सदिश में से हम पी के स्थिति सदिश को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे अब ये हमारा क्या है, ओके स्थिति सदिश को हम ओए भी कह सकते हैं कभी कभी, यदि हमें ओए दिया है तो। बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी स्थिति सदिश नहीं देते, वो ओए देते हैं, पी के स्थिति सदिश नहीं देते, वो ओपी दे देते हैं, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिति सदिश का मतलब ही है कि, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, देखो यहाँ पर यदि बिंदु P के स्थिति सदिश I धन J धन के दिए हैं, तो इसका मतलब ही है कि मूल बिंदु 000 से उसकी दूरी इतनी है। तो या हमें, चाहे हमें OP दे या P के स्थिति सदिश दे, वो एक ही बात होती है। तो यहाँ पर P के स्थिति सदिश माइनस 2i प्लस 3j प्लस k, इसमें से हम P के स्थिति सदिश i प्लस 2j प्लस 3k को हटा देंगे, कितना प्राप्त हुआ माइनस 3i, बच्चों देखते जाओ, प्लस j, और यहां पर आपको मिला माइनस 2k, ये क्या प्राप्त हो गया r। आपके पास f क्या दिया था, i प्लस J प्लस K, तो आपका बल आघूर्ण बल है वो आपने क्या प्राप्त किया था अभी, R क्रॉस F। R क्रॉस F में आपका क्या हो जाएगा, I J K, R में आप निकालिए माइनस 3 वन एंड माइनस 2, माइनस 3 वन एंड माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता है, उससे आपको मिलेगा रिजल्ट 3i प्लस j माइनस 4। डिटरमिनेंट हल करने के बाद जो प्राप्त हुआ, ये हो गया आपका बल आघूर्ण, क्या प्राप्त हो गया आपको बल। बच्चों एक बात और आप ये जान लीजिए, ये सदिश बल आघूर्ण है, क्यों, क्योंकि ये सदिश रूप में प्राप्त, इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये सदिश बल आघूर्ण है। सदिश बल आघूर्ण बराबर 3i धन j ऋण 4। यदि मैं ये कहूँ कि अदिश बल आघूर्ण ढूंढो, तो अदिश बल आघूर्ण का मतलब हुआ कि मैं इसी का क्या कर दूंगी, मॉड निकाल दूंगी। अदिश बल आघूर्ण बराबर अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक, कितना हो जाएगा 3 3 9 और 1 10 और 4 4 16, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 6। तो आपको सदिश बल आघूर्ण और अदिश बल आघूर्ण, अदिश मतलब यदि उसका मॉड निकाल लिया जाए, कोई नई बात नहीं है, अदिश बल आघूर्ण का मतलब है यदि हमने मॉड निकाल दिया तो वो अदिश बन जाएगा। एक उदाहरण और देख लीजिए आप, एक बल F 2i प्लस j माइनस k एक बिंदु A जिसका स्थिति सदिश 2i माइनस j है पर कार्य करता है, F का मूल बिंदु के सापेक्ष। ये सवाल बहुत आसान हो गया, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष मतलब 000 लिखा हुआ है, तो आपको घटाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही यहाँ पर, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि 2i माइनस j में से 0i प्लस 0j प्लस 0k को माइनस करेंगे तो 2i माइनस j ही आगे वाला है।
ठीक है, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बल 2i प्लस जे माइनस के, एक बिंदु A जिसका स्थिति सदिश 2i माइनस जे है उस पर कार्य करता है। F का मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यदि आप बना सके तो चित्र के द्वारा आप बहुत अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं कि हमने क्या किया। ये O है जिसके सापेक्ष निकालना था और हमारा प्रश्न में बिंदु दिया है 2i माइनस जे और यहाँ पर हमारा बल F कार्य कर रहा है। बल जो है हमारा 2i प्लस जे माइनस के है, ये उसकी क्रिया रेखा है और क्रिया रेखा पर जो लंब है वो ON है। तो हमें हमेशा ये वाली दूरी चाहिए रहती है। ये हमारा हो गया OP। O हमारा पहले से ही 0i, 0j और 0k क्योंकि कहा है मूल बिंदु। तो बच्चों यहाँ पर आपको R मालूम चल गया 2i माइनस जे और F मालूम चल गया है प्लस जे माइनस के। तो आपको R क्रॉस F निकालने के लिए i j k 2 माइनस 1 0 और 2 1 माइनस, बस इतना आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हल करने पर आएगा i प्लस 2j प्लस 4। और यदि इसका अदिश पूछा जाएगा तो मॉड निकालेंगे, 4 चौको 16, ठीक है, और 16 और 4 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 21 इकाई। ठीक है, ये निकल आएगा आपका मॉड। तो बच्चों ये थी कार्य और बल आघूर्ण को लेकर अच्छा अनुप्रयोग कार्य निकालने में और बल आघूर्ण निकालने में हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सवाल जो हैं अपने प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपको दे रही हूँ तो आप नोट कर लीजिए। अभी यहाँ पर दिया जा चुका है, कुछ भी लिख लीजिए आप। एक बल 3i प्लस 4j प्लस 5k है, इसकी क्रिया रेखा पर कोई बिंदु, कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है, माइक ऑन करके कहें बच्चों। यहाँ कागज में दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आप अपने माइक को वहां से चालू करवाएं बच्चों, या अभी लास्ट में जब हम लोग आपसे प्रश्नोत्तरी करेंगे तब आपको करके रख लीजिए। ठीक है मैम, यदि माइक चालू नहीं हो रहा है। मैम आप क्या सुन पा रहे हैं? तब तक हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सदिश का जो अनुप्रयोग है वो त्रिकोणमिति में भी होता है। तो बच्चों त्रिकोणमिति में आपने क्या देखा कि क्या हम त्रिभुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल या फिर हम पूरी की पूरी त्रिकोणमिति में साइन फॉर्मूला। और ग्वालियर से बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं, माइक ऑन हुआ बच्चों? ग्वालियर माइक ऑन हुआ? यस मैम। हाँ बोलिए। मैम हमारा माइक डेली बंद कर दिया जा, आपसे रिक्वेस्ट है मैम माइक बंद ना किया जाए, हम कुछ भी बोलते हैं तो आप तक पहुंचता नहीं है। अच्छा, तो अब इसके बाद जब क्लास का ये हो जाएगा आप नोट करते हैं, बंद भी है तो आप लास्ट के 15 मिनट में आराम से जितनी बातें पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है? नहीं मैम माइक बंद ना किया जाए हमारा, मैम ये रिक्वेस्ट है मैम हमारी। अच्छा, ये भी हम आपको बताते हैं, कई बार ऐसा होता है ना बीच में बच्चे शायद डिस्टर्ब करते हैं, है ना। अभी आपको जो प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए बच्चे, अभी तो पूछना चाहते। हाँ बोलो मैम। 9A का क्वेश्चन है हमारा एक मैम। बेटा हमारे पास यहाँ किताब नहीं है, आप प्रश्न बता दो। पर अभी हम ये हमारा लेक्चर खत्म हो जाए
उसमें आप हमें क्वेश्चन नोट करा दो, हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे तब, ठीक है? थोड़ा सा और तो मैं बता दूँ, आखिरी में बता देंगे मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी। इसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे हमारे पास सूत्र हैं, जिनको कि हम सदिश से, बहुत अच्छी बात है कि हम सदिश को लेकर उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हम छोटे छोटे कुछ प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे उन्हें हल करें। तो एक प्रक्षेप सूत्र करके है, जैसे C बराबर A cos B प्लस B cos A, ये प्रक्षेप सूत्र है। अभी हम इसे वेक्टर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यह सिद्ध करें। तो बच्चों बहुत सारी चीजों में सिर्फ आपको त्रिभुज नियम का ही वो ध्यान रखना है कि हम त्रिभुज नियम से इस सूत्र को कैसे लाए। तो थोड़ा ध्यान से सुने कि त्रिभुज नियम क्या कहता है। माना हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी और सी, ये तीन सदिशों से हम व्यक्त कर रहे हैं। तो भुजाएं यदि ए बी सी लिया है तो हम ज्यादातर यही कोशिश करते हैं कि ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की बी, तो ये हमारे निरूपित हो गए। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि त्रिभुज नियम कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ठीक है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है बच्चों, और मुझे सी बराबर ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए लाना है, तो मैं क्या सोचूं? ए और कॉस बी, मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि कॉस बी यानी किस किस के बीच का, सी और ए के बीच का कोण, कॉस ए, ए यानी बी और सी के बीच का कोण, यानी कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि सी दोनों में कॉमन चल रहा है, ठीक है? सोचो जरा, बी, बी यानी ए और सी के बीच का कोण, और ए, ए यानी बी और सी के बीच का कोण, तो सी कुछ कॉमन है। तो मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पर कि ए और बी को पक्षांतर, ठीक है? अब फिर से आपको अपनी मेमोरी रिकॉल करनी पड़ेगी कि आपने डॉट गुणनफल में क्या सीखा है। यहाँ अगर में नहीं, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी कि ए और बी के बीच का कोण है आपका थीटा, ठीक है? और यहाँ पर आपका ये कोण यदि थीटा आपको दिख रहा है, तो मान लो यदि ये ए होता तो यहाँ ए आ जाता कि नहीं? बस इतना सा आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, यहाँ हम यदि C के साथ डॉट ले लें तो हमें शायद कुछ मिले। दोनों पक्षों में C से डॉट लेने पर C डॉट C बराबर C डॉट माइनस A माइनस बी, तो ये हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर बराबर, यहां पर हो जाएगा माइनस सी डॉट ए माइनस सी डॉट बी, ठीक है? अब बच्चों थोड़ा सा आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कोण कैसे निकालते हैं, ये बात भी यहाँ बहुत आवश्यक है। अब देखिए ए की दिशा कहाँ जा रही है, ये, और बी की दिशा कहाँ जा रही है, ये। तो हमेशा दोनों एरो जब विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं उस कोण को हम सदिश में लेते हैं, ना कि अंदर का। भुज में जो कोण सी बन रहा है वो अंदर बन रहा है, यदि हम बाहर का कोण लेंगे तो वो हो जाएगा पाई माइनस सी यानी 180 ऋण सी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी यदि कोई कोण बनेगा तो वो बाहर बनेगा पाई माइनस ए, और बच्चों यहाँ भी यदि कोई कोण बनता है तो वो हो जाएगा पाई माइनस बी। आप हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके मुझे बता सकते हैं कि आपको यदि कोण समझ नहीं आया तो
तो मैं इनको इसको फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यदि आ गया तो एक हाथ खड़ा कर दीजिए, और यदि नहीं आया तो दोनों हाथ खड़े कर दीजिए। यदि नहीं आएगा, वेरी गुड मंडला, ये चाहते हैं फिर से बताया जाए। रुक देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज है, बहुत ध्यान से देखिए, और त्रिभुज को हमने क्या लिया, ए के सामने का जो भुजा का सदिश है वो हमने ए लिया, बी के सामने को हमने बी से निरूपित किया, और सी के सामने को हमने सी से निरूपित, ठीक है। अब आती है बात कोण की, कि ए और बी के बीच का कोण क्या अंदर बनेगा या बाहर बनेगा। तो सदिश की दिशा क्या बता रही है, ये तो हमें निश्चित रूप से ये जो कोण बनाना पड़ेगा ये बाहर की तरफ लाना पड़ेगा। और बच्चों हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि यदि हम ए के सामने की भुजा या ए भुजा है और उसके सामने का कोण ए लेते हैं तो वो हम अंदर वाला ले, तो हम सी के सामने का कोण कौन सा ले रहे हैं, अंदर वाला ले। लेकिन अभी हमारी आवश्यकता कहाँ की है, कि वेक्टर में लेना है, तो दिशा के हिसाब से हमें कौन सा कोण लेना, ये। अब आया बच्चों, आया समझ में, एक हाथ सदिश भी तो चेंज कर सकते हैं मैं, माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के कोण का भी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। एक चीज ये भी हम कर सकते हैं कि हम यदि यहाँ सी लिख रहे हैं तो हम, या ए लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर माइनस ए लिख सकते हैं। लेकिन सभी बच्चों के लिए थोड़ा सा माइनस वाला लेने में गलती होने के चांसेस भी हो जाते हैं, इसलिए टीचर्स ये कोशिश करते हैं कि एक आम बच्चा भी उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए, ठीक है ना। ठीक, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। वेरी गुड, क्या नाम है आपका, घनश्याम घनश्याम से वरे मैम, घनश्याम से वरे मैम। बहुत अच्छी बात बेटा, घनश्याम है ना। तो अब हम वापस यहाँ जाएं, यहाँ पर ये जो माइनस सी डॉट ए हमने लिखा था हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे जैसा कि घनश्याम ने बताया, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर लिखेंगे मॉड सी का स्क्वायर बराबर माइनस, हम रखे रहते हैं को लिखा हमने मॉड सी मॉड ए, और सी और ए के बीच का कोण कॉस पाई माइनस बी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही मॉड सी मॉड बी और कॉस पाई माइनस यहां पर हो जाएगा ए। तो बच्चों कॉस 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा आपका मॉड सी का स्क्वायर बराबर मॉड सी मॉड ए और कॉस पाई माइनस बी था और एक ऋण चिन्ह और था इसलिए वो हो गया कॉस बी। ऐसे ही यहां पर भी हो गया मॉड सी मॉड बी कॉस ए और साथ में जो ऋण चिन्ह कॉस का आया और सामने का है वो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 12th के बच्चे आप लोग है ना। अब यहाँ से हम एक मॉड सी को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा मॉड सी बराबर मॉड ए कॉस सी प्लस मॉड बी कॉस ए, और जैसा कि मॉड ए को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बोल्ड और लाइट को शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी किताबों में जब हमने वेक्टर लगाया तो उसे थोड़ा बोल्ड डार्क में शो करते हैं, और सिंपल लिखना है तो हम इस तरीके से ये हमारा cos किस दिया जो हमें, तो ऐसे एकाध तो नहीं बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्री वाले उससे सॉल्व कर सकते हैं। एक और है जो साइंस कई बार परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो क्रॉस की हेल्प लेके आ रही है, सवाल वो भी कर ले। तो बच्चों फिर से हम यहीं पर शुरू हो जाते ए बी और आपका सी,
त्रिभुज नियम कहता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, और हमारा प्रश्न है कि हम सिद्ध करना चाहते हैं साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। ये है हमारा साइन सी। अब इसे हम कैसे करें, तो डॉट गुणन से तो आएगा नहीं क्योंकि साइन है, हमें समझ में आ रहा है कि यदि कॉस निकालना है तो हमें डॉट लेना पड़ेगा, यदि हमारा साइन दिख रहा है तो हमें क्रॉस लेना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में हम पहले क्या करते हैं, ए से दोनों पक्षों में क्रॉस गुणन लेने पर क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस जीरो। ए क्रॉस जीरो जीरो, यहां से आ जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर जीरो। तो बच्चों ए क्रॉस ए जो है वो जीरो होता है, क्यों उसके लिए भी हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लें कि ए क्रॉस ए जीरो क्यों होता है। ए क्रॉस ए को हम लिखेंगे मॉड ए, और दो एक जैसे सदिशों के बीच में कोण हमेशा कितने डिग्री का बनेगा, जीरो। यही ए है यही ए है, तो साइन जीरो और साइन जीरो जीरो, बी क्रॉस ए जीरो। अब आपको समझ में आया, बी क्रॉस बी भी जीरो, आई क्रॉस आई भी जीरो, जे क्रॉस जे भी जीरो, तो इसको जीरो लिखा और आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी बराबर माइनस ए क्रॉस सी। तो ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी बराबर में, यदि आप क्रम विनिमय नियम इसका जानते हैं कि ए क्रॉस सी कभी भी सी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता बल्कि माइनस सी क्रॉस ए के बराबर होगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सी क्रॉस एक हो गया। फिर से पुनः दोबारा फिर से हम लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज नियम से कि ये बराबर जीरो, अब की बार बी से क्रॉस लेने पर गुणन लेने पर, तो बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी क्रॉस जीरो, तो b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c बराबर जीरो। यहाँ पर b क्रॉस b जीरो हो जाएगा, तो b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c बराबर जीरो। यहाँ से हमें मिला b क्रॉस a बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस b क्रॉस c, या उसे हम लिख सकते हैं c क्रॉस। ठीक है, अब यदि हम इसका मॉड ले ले, वापस आ जाए हम यहाँ पर, हमने क्या प्राप्त किया था, पहली स्थिति में हमने प्राप्त किया था a क्रॉस b बराबर c क्रॉस a, दोनों पक्षों का मॉड हमने लिया c क्रॉस a, क्या हो जाएगा मॉड b साइन क्या आएगा a और b के बीच का कोण c, साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव आता है, यहाँ आ जाएगा मॉड सी मॉड ए और साइन बी, यहाँ ए को हम कैंसिल कर दे तो हो जाएगा बी साइन सी बराबर सी साइन बी। ठीक है, तो साइन सी बटा सी तो यहाँ ले आए बराबर साइन बी बटा बी। इसी प्रकार दूसरा वाला जो हमने निकाला वो क्या निकाला है, साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी, तो साइन ए बटा ये बराबर हो जाएगा साइन सी बटा सी बराबर साइन बी बटा बी, ये दो बार आया, एक बार ये आया एक बार ये आया, तो चूंकि ये चीज दोनों में कॉमन ये हम लिख सकते हैं कि साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप जो है जो प्रश्न पूछना चाहते वो
मुझे नोट करा दे। त्रिभुज किस क्षेत्रफल से निकल सकते हैं मैम? हाँ बोलिए मैम। इसे त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा टाइम कम रहता है, नहीं तो ढेर सारे प्रश्न हैं, इसे त्रिभुज के नियम से भी हम कर सकते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला प्रश्न भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के फिर त्रिभुज का करिए, ठीक है? क्योंकि बेसिक हमारा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि यहाँ पर जो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एक भुजा और उस पर डाला गया लंब, फिर उसके बाद हम प्रमेय लगाएंगे कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच एक समांतर चतुर्भुज यदि बने और त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव आधा होता है। आप वहां से शुरुआत, ठीक है? और बोलिए। बहुत अच्छी बात है, आपने इसको किया है क्या? आपने त्रिभुज से भी किया है? यस मैम। वेरी गुड। और भी बहुत सारे तरीके से हम एक दूसरे को कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। कोई बच्चे? मैम सदिश के अलावा और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप नोट करा दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नोट करा दीजिए। मैम क्वेश्चन है फलन y इक्वल्स टू, अच्छा फलन का है, फलन y इज इक्वल टू वन अपॉन y इज इक्वल टू वन अपॉन f नहीं है, हाँ y इज इक्वल टू वन अपॉन log वन माइनस x बेस टेन, log वन माइनस x बेस टेन हाँ प्लस अंडर रूट, प्लस कहाँ लिखूँ, ऊपर के नीचे? ऊपर मैम, यहाँ? यस मैम, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, ठीक। इसका डोमेन निकालना है, डोमेन क्या निकालना? डोमेन प्रांत। हाँ इसको जो है जब हम लोग डोमेन पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में बता देंगे, अभी मैं आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ क्योंकि सिर्फ आपको ये बात समझ आएगी कि बच्चों जब हम इसका डोमेन निकाल रहे हैं तो ये अंडर रूट में है, तो निश्चित रूप से यदि हमें दो फलन दिए रहते हैं तो हम इस पोर्शन का निकालेंगे डोमेन डी वन और इस पोर्शन का निकालेंगे हम, और दोनों का हमेशा हमें कोवेरियंस निकालना पड़ता है, ये बात जानते हैं घनश्याम? यस मैम। ये वाली ठीक है। अब ये जो है एक्स प्लस टू है तो निश्चित रूप से इसे जीरो से बड़ा होना चाहिए, है ना? तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टू से बड़ा। मैम बराबर भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ग्रेटर आर इक्वल टू, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ले लेंगे उससे। अब यदि ये बड़ा है तो हमारा ये क्लोज्ड इंटरवल माइनस टू टू इन्फिनिटी आ जाएगा, क्लियर? yes, और यहाँ पर लॉग टेन वाला जो है तो हम क्या लेंगे यहाँ पर कि लॉग में यदि या तो आप पहले ई में उसको कन्वर्ट कर लो क्योंकि आप सारे नियम ई में जानते है ना, और ई वाले जानने के बाद आप इसको ले लो कि ये हमेशा पॉजिटिव रहे, वन से बड़ा, ठीक है? यदि वन माइनस एक्स वन से बड़ा है तभी वो लॉग के लिए डिफाइंड है, दूसरी चीज तो होता ही नहीं है, इसलिए वन अपॉन जीरो से डरने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो दोनों डी वन और डी टू निकाल के, और इसे जब हम डोमेन और रेंज वाला पढ़ेंगे तो और प्रैक्टिस इसके साथ भी करेंगे। और कुछ बच्चों अभी कुछ हो चुका है उससे रिलेटेड पूछे तो सभी बच्चों को फायदा होगा, ठीक है? हाँ और बता दीजिएगा मैम, log 1 माइनस x का डोमेन बुक में दिया है मैम, ओपन इंटरवल 0-1 दिया है, ओपन इंटरवल 0-1 ये बेस 10 पे दिया है? यस मैम। बेस e पे दिया है? मैम बेस 10 पे दिया है। हाँ ठीक है, 1 माइनस x का, तो इसमें कोई दिक्कत है? मैम हमारा प्रश्न ये है यदि मैं मैक्स की जगह पे माइनस टू रख दे तो भी तो मैम सही होगा, माइनस टू मैम प्लस टू में बदल जाए तो मैम लॉग टेन लॉग थ्री बेस टेन हो जाएगा मैम, तो भी तो सही होगा, पर मैम ये बुक में दिया है। हाँ अगली क्लास में इस पे विचार करके फिर अपन चर्चा करेंगे, है ना? आपका सोचना तो सही है
लेकिन x जो है वो 1 माइनस x लिखा है, इसलिए तो ठीक है कि माइनस टू आप रख रहे हो। इंटीग्रेट ये जो है माइनस टू से बाहर है दूसरे में, इसलिए तो नहीं। यहाँ पर जो दूसरा वाला दिया है वो x हमारा माइनस टू से बड़ा है। यस मैम, है ना? यस मैम, यदि वहाँ पे माइनस टू या माइनस वन रखे हैं तो भी तो मैम सही होगा, पर मैम बुक में दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं माइनस टू रख लूँ और माइनस की कोई भी संख्या रख लूँ तो वहाँ पर वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है? yes, ना मैम। लेकिन हम इसको डोमेन में और अच्छी तरीके से आपको बताएंगे बच्चों, है ना? आज हम जो है पूरा हमारा पूरा वाले में है, ठीक है? जब डोमेन हम पढ़ेंगे तो इसे विस्तार से आपको बताएंगे। यस मैम। और कोई बच्चे सदिश से संबंधित कोई प्रश्न? हाँ, आज हमने जो भी पढ़ा है उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आई हो या आपके मन में कोई सवाल हो? मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। मैम डोमेन से रिलेटेड था। बच्चों अभी हमारा डोमेन यहाँ नहीं हुआ है, थोड़े दिन के इसको यहाँ पर प्रश्न भले आप नोट करा दें, जो भी आपको डोमेन पढ़ाएगा मैं बता दूंगी। बोलिए बोलिए, बोल दीजिए आप। नोट करवा देते। फलन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन साइन लॉग लॉग है लॉग साइन के बाद लॉग, ठीक है? अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट फोर माइनस, हाँ ठीक है, अपॉन बटे अपॉन यस मैम हाँ बटे वन माइनस एक्स बटे वन माइनस एक्स, ठीक है? यस मैम। इसका डोमेन क्या है? हाँ जी ठीक है। तो जब डोमेन की क्लास होगी, क्योंकि इससे सारे बच्चे अभी समझ नहीं पाएंगे, आप यदि समझ पाए तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पहली चीज तो यहाँ अंडर रूट है, तो आप फोर माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो रखेंगे, ठीक है? लेकिन लॉग है इसलिए आप जीरो भी नहीं रखेंगे, तो इसके लिए फोर माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन जीरो ही रखना है। क्लियर हो गई बात? कौन कौन से फलन दिए हैं हम इस बात पर यहाँ पर ध्यान देते हैं। पहली चीज लॉग है, तो लॉग किसके लिए डिफाइंड है? किसके लिए है? वन से ऊपर, ठीक है? वन और वन से ऊपर, तो यहाँ पर हम जीरो के लिए नहीं रख, तो अंडर रूट को जैसे हम रखते हैं ना कि फोर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो हम हमेशा ग्रेटर और इक्वल के तो ग्रेटर लिखेंगे, इक्वल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लॉग दिया, एक चीज। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स है, तो वन माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना? इसलिए एक्स हमारा कभी भी वन नहीं होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी रिजल्टेंट आएगा वो चीज को हम इसमें ढूंढेंगे, ठीक? और कोई बच्चे कोशिश करें कि अभी जितने चैप्टर हो गए हैं या आज जो पढ़ाया है ना, उसमें क्या होता है सारे बच्चों को फायदा मिलता है। बोलिए, बोलो। मुरैना से जो बच्चे खड़े हुए हैं, मुरैना, चलिए। और कोई बच्चे? आज जो कुछ हमने यहाँ पर सीखा या यहाँ पर जो चर्चा की है उसमें कोई दिक्कत? कार्य निकालने में, बल आघूर्ण निकालने में, या सदिश के गुणनफल में, वो चीज भी आप पूछ सकते हैं। मैम डोमेन हमारा कब स्टार्ट होगा? क्या चीज स्टार्ट होगा मैम डोमेन? बच्चों टाइम टेबल में आप देख लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर जो पोर्शन पढ़ाने बोलते हैं ज्यादातर हम दिमाग में, क्योंकि मैथ इतना वास्ट है कि सब चीज एक ही समय पे दिमाग में नहीं रहती, ठीक है? हम उसका थोड़ा सा आपको वो बता, डोमेन शायद इसके जस्ट
प्रतिलोम होगा बेटा, और प्रतिलोम के बाद होगा ना आठवां चैप्टर हुआ, फिर नौवां। टाइम टेबल आप देखते रहिए, अगले महीने की शायद वो रहेगी। थैंक यू मैम। तो नमस्कार बच्चों, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस कीजिएगा।